कल रांची जिला के नगड़ी थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक काफ़ी संवेदनशील आपराधिक घटना घटित हुई है, जिसके संबंध में प्रेस मीडिया के साथियों को ब्रीफ करने के लिए आज बुलाया गया है। मुख्य रूप से कल जो शाम में करीब 7:30-8 बजे के बीच में नगड़ी थाना क्षेत्र की जो दलादली चौक जो एरिया है, वहाँ पर श्री सुभाष मुंडा, जो कि माकपा पार्टी के लीडर भी है, वो अपने जो उनका जो दुकान है उसमें बैठे हुए थे, और उसी क्रम में 3 अपराधकर्मी वहाँ पर पहुँचे और उनके द्वारा जो है अंधाधुंध फायरिंग की गई। जो श्री सुभाष मुंडा थे, उनको उनके परिजनों के द्वारा तत्काल जो है इलाज के लिए नज़दीकी अस्पताल में ले जाया गया, परंतु दुर्भाग्यवश इस घटना में उनकी मृत्यु हो गई। जैसे ही घटना की सूचना पुलिस को प्राप्त हुई, तत्काल अपराधियों को पकड़ने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई है, छापामारी की कार्रवाई है और जो नाका इत्यादि की कार्रवाई है, वो पुलिस के द्वारा इनिशिएट की गई। इस घटना के पश्चात जो स्थानीय ग्रामीण थे और उनके जो समर्थक थे, उनमें निश्चित रूप से एक रोष का वातावरण था, और उसको लेके विधि व्यवस्था की भी समस्या उत्पन्न हुई थी, जिसे देखते हुए तत्काल सभी वरीय पुलिस पदाधिकारी, जैसे कि वहाँ के जो पुलिस उपाधीक्षक है, पुलिस उपाधीक्षक रूरल, पुलिस अधीक्षक नगर वहाँ पे पहुँचे। उसके पश्चात स्थिति को काबू करने के लिए SSP रांची, DIG रांची और जोनल IG रांची ने वहाँ पे पहुँच कर स्थिति को संभाला। इस घटना में घटना के पश्चात घटना के संबंध में नगड़ी थाना कांड संख्या 133/23, जो कि धारा 302, 452, 34, 120 B भादवी और 27 आर्म्स एक्ट के अंतर्गत दर्ज किया गया है। इस घटना की इन्वेस्टिगेशन के लिए, इसमें शामिल अपराधकर्मियों की गिरफ्तारी के लिए एक SIT का गठन जो है किया गया है। ये SIT मुख्य रूप से पुलिस अधीक्षक नगर के नेतृत्व में बनाई गई है, और इस SIT में 2 पुलिस उपाधीक्षक रैंक के पदाधिकारी, प्रवीण कुमार सिंह पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय रांची, श्रीमती यशोधरा पुलिस उपाधीक्षक साइबर क्राइम, तथा 2 पुलिस निरीक्षक राजकुमार यादव और पुलिस निरीक्षक सपन कुमार महता, जो कि रातू थाना प्रभारी है, और इसके अलावा 2 सब इंस्पेक्टर, 2 ASI और अन्य कर्मियों के साथ ये SIT फॉर्म की गई है। SIT ने अपना जो कार्य है इन्वेस्टिगेशन का, वो प्रारंभ कर दिया गया है। इस पूरे घटना में की जांच में लापरवाही प्रतीत जहां हुई है, उसमें थाना प्रभारी नगड़ी ओम प्रकाश टोप्पो को कर्तव्य में लापरवाही के लिए और आपराधिक घटनाओं में रोकथाम में असफल होने के लिए उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है, और नए थाना प्रभारी की वहाँ पे नगड़ी में पोस्टिंग की गई है। नए थाना प्रभारी भी इस SIT का पार्ट है, और SIT के द्वारा अभी पूरे घटनाक्रम की जांच की जा रही है। CCTV फुटेज और जो अन्य जो तकनीकी आसूचनाएं हैं, उनका भी संकलन किया जा रहा है, और उससे जो अपराधी थे, जो हत्यारे थे, उनके आइडेंटिफिकेशन के लिए जो अग्रतर कार्रवाई है वो की जा रही है। छापामारी की कार्रवाई कल रात से ही प्रारंभ हो गई थी। जिनका भी जो संदिग्ध जो एक्टिविटी पाई गई है, या जिनके खिलाफ जो है संदेह व्यक्त किया गया है, वैसे व्यक्तियों के खिलाफ लगातार छापामारी की कार्रवाई ना केवल रांची में, बट रांची से बाहर भी ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। और
पुलिस मुख्यालय के स्तर से और पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा ये सख्त निर्देश जो है एसएसपी रांची को और उनकी पूरी टीम को दिए हैं कि अविलंब जो है इस घटना का उद्भेदन किया जाए और इस घटना में शामिल जितने भी अपराधकर्मी हैं उन्हें अविलंब गिरफ्तार किया जाए, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई सुनिश्चित किया जाए। पुलिस मुख्यालय के स्तर से भी पूरे घटनाक्रम पर नज़र रखी जा रही है और जो दिशा निर्देश विगत दिनों में भी जो सरकार के स्तर पे और पुलिस मुख्यालय के स्तर पे दिए गए थे कि किसी भी प्रकार का कोई भी आपराधिक घटना पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाने हेतु जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो की जाए, इसे पुनः जो है सभी पुलिस अधीक्षकों को भी बताया गया है और इस पर लगातार पुलिस मुख्यालय भी नज़र रखे हुए है। चूँकि अभी जांच चल रही है, प्रारंभिक स्टेज में है, बट निश्चित रूप से घटनाक्रम जो हुआ है, जो हत्या की घटना हुई है, उसे सभी पहलुओं से देखा जा रहा है। एक और जहां पर्सनल एनमिटी की बात होती है या और कोई प्रोफेशनल एनमिटी है, तो इन सभी एंगल्स को पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है और एसआईटी का जो कार्य है वो एक साथ जहाँ पर जो जो इनकी जो पुरानी अगर कोई रंजिश हो, दुश्मनी हो, उस एंगल पे भी एसआईटी अपना कार्य कर रही है। साथ साथ कोई प्रोफेशनल राइवलरी हो या अन्य कोई वजह हो सकती है, तो इन सभी बिंदुओं पे अभी जांच चल रही है और जैसे जैसे ये जांच चलेगी तो इसमें काफ़ी चीज़ें और स्पष्ट होगी। अभी क्योंकि इस बहुत ही प्रारंभिक स्टेज है अनुसंधान का, तो घटना की वजह अभी तक सामने में पूर्ण रूप से नहीं आ पाई है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से एसआईटी काम कर रही है, इस घटना का उद्भेदन जल्द से जल्द होगा, घटना के संबंध में जो उसके कारण हैं उनका भी खुलासा जल्द से जल्द होगा। पूरी रांची है, इन्हें विशेष रूप से जो है निर्देश दिया गया है कि ये स्वयं जो है पूरे घटनाक्रम का मॉनिटरिंग करेंगे और जब तक इस घटना में शामिल अपराधकर्मी जो अपराधकर्मी है उनकी गिरफ्तारी नहीं होती है, घटना का उद्भेदन नहीं होता है, तब तक वो स्वयं जो है इस पूरे एसआईटी को गाइड करेंगे और इसमें जो भी आवश्यक कार्रवाई है वो सुनिश्चित कराएंगे। कार्य कर रही है और जब भी कोई ऑपरेशन होता है तो इसमें ये चांसेस हमेशा बने रहते हैं क्योंकि क्रिमिनल्स के पास भी हथियार होते हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता है कि किसी ऑपरेशन में अगर कोई हमारी मैनी किसी को अगर गोली लगी है तो उसमें कोई किसी तरीका का फेल्योर है। इनफैक्ट एटीएस खुद एटीएस की टीम वहाँ रेड करने गई थी और एक मुठभेड़ थी और मुठभेड़ में उन्हें गोली लगी थी। जहाँ तक इस घटना की बात है, सभी बिंदुओं पर अभी जांच चल रही है और जो भी इसमें शामिल रहेंगे उस पर कार्रवाई निश्चित रूप से होगी। अच्छा, जो रात में जो होंगे उनकी पहचान? देखिए, सभी जो एस्पेक्ट्स पे अभी जैसे मैंने कहा कि एसआईटी जो बनी है, सभी एस्पेक्ट पे कार्रवाई हो रही है, विधि सम्मत कार्रवाई सभी जगह पर हो रही है। हमारा सबसे प्रथम उद्देश्य है कि विधि व्यवस्था को हम लोग वहाँ पे सामान्य रखें, विधि व्यवस्था बनाए रखें ताकि अनुसंधान आगे बढ़ सके। अनुसंधान का कार्य जब होगा तभी जो है इसमें शामिल अपराधकर्मी जो है उनकी गिरफ्तारी हो पाएगी। तो दोनों ओर, जहाँ एक ओर विधि व्यवस्था को सामान्य रखने के लिए भी कार्रवाई हो रही है, साथ साथ केस के इन्वेस्टिगेशन में भी कार्रवाई हो रही है और सभी जो आवश्यक विधि सम्मत कार्रवाई है वो इसमें होगी। पूरे इसमें कुछ फायर वगैरह भी हुआ है क्या, जो रात में जो घटनाएं घटी हैं? अभी इसमें जैसा कि मैंने बताया कि जो पूरे घटनाक्रम की जो जांच हो रही है उसके पश्चात इसमें अग्रतर कार्रवाई की जाएगी। इन्वेस्टिगेशन का मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पल पल की जानकारी जो है पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इसमें ली जा रही है। सर, इस खासकर इस बिंदु पर लगातार सरकार के स्तर पर और पुलिस मुख्यालय के स्तर पर कड़े सख्त निर्देश जो है सभी पुलिस अधीक्षकों को दिए गए हैं कि जमीन के कारोबार के चलते जितनी भी आपराधिक घटनाएं हो रही है
उन पर सख्ती से रोक लगाई जाए, और इसमें जो भी शामिल तत्व है, चाहे वो अपराध कर्मी हो या इस व्यवसाय से संबंधित भी जो लोग हो, जो कि एक तरीके से अगर किसी तरीके से वो भी आपराधिक अगर गतिविधि में शामिल हो रहे हैं, तो उस पूरे पूरा जो ये जो पूरा इकोसिस्टम है उसको इन्वेस्टिगेट करने के लिए, और पूर्व से भी इस तरीके के जो अपराध है उसमें जो लोग शामिल हैं उनकी गतिविधि का भी सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है। और अगर कोई जेल से बाहर है और उसकी गतिविधि संदिग्ध पाई जाती है तो उस पर आवश्यक कानूनी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। इसमें पूर्ण रूप से सख्त निर्देश जो है पुलिस मुख्यालय की ओर से, चाहे वो रांची जिला हो, चाहे वो अन्य जिले हो, जमशेदपुर हो, धनबाद हो, देवघर हो, और जो बाकी जिले हैं जहाँ ज़्यादातर इस तरीके की आपराधिक घटनाओं की सूचनाएं आती है, उन्हें ये सख्त हिदायत भी दी गई है कि वो स्वयं जो है इंश्योर कराएंगे कि ज़मीन से रिलेटेड इस तरीके की जो आपराधिक घटनाएं हैं उन पर पूर्ण रूप से रोक लगे, और इसमें शामिल जितने भी आपराधिक तत्व हैं उन पर कार्रवाई हो। इस घटना में भी अगर इस तरीके की कोई बात आती है तो निश्चित रूप से इसमें जैसे ही खुलासा होगा आगे की कार्रवाई इसमें की जाएगी, और पूरा प्रयास रहा है थाना स्तर पर भी वैसे लोगों की सूची बनाई गई है जो इस तरह की गतिविधि में शामिल है, आपराधिक गतिविधि में शामिल है, उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाती है। निश्चित रूप से एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, और रांची पुलिस ने और पूरे झारखंड पुलिस ने इसको एक चैलेंज के रूप में लिया है, और जल्द से जल्द इसका जो है उद्भेदन करने का कार्य जो है पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। क्या इंटेलिजेंस सहयोग भी जिस तरह से घटनाएं घट रही है, पिछले दिनों एटीएसपी पे गोलीबारी हुई अपराधी गिरोह के द्वारा, तो नहीं, ये इसे ये नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जो एटीएस की कार्रवाई चल रही थी पूर्व में भी आपको ब्रीफ किया गया था, ये एटीएस की स्पेशल टीम्स बनी है और वो लगातार एटीएस की टीम चूंकि अभी जांच चल रही है, प्रारंभिक स्टेज में है, बट निश्चित रूप से घटनाक्रम जो हुआ है, जो हत्या की घटना हुई है, उसे सभी पहलुओं से देखा जा रहा है। एक और जहां पर्सनल एनमिटी की बात होती है या और कोई प्रोफेशनल एनमिटी है, तो इन सभी एंगल्स को पे इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, और एसआईटी का जो कार्य है वो एक साथ जहाँ पर जो जो इनकी जो पुरानी अगर कोई रंजिश हो, दुश्मनी हो, उस एंगल पे भी एसआईटी अपना कार्य कर रही है। साथ साथ कोई प्रोफेशनल राइवलरी हो या अन्य कोई वजह हो सकती है, तो इन सभी बिंदुओं पे अभी जांच चल रही है, और जैसे जैसे ये जांच चलेगी तो इसमें काफ़ी चीज़ें और स्पष्ट होगी। अभी क्योंकि इस बहुत ही प्रारंभिक स्टेज है अनुसंधान का, तो घटना की वजह अभी तक सामने में पूर्ण रूप से नहीं आ पाई है, लेकिन निश्चित रूप से जिस प्रकार से एसआईटी काम कर रही है, इस घटना का उद्भेदन जल्द से जल्द होगा, घटना के संबंध में जो उसके कारण है उनका भी खुलासा जल्द से जल्द होगा।